पसंद। प्रदेश के मोर्चे की पोषण करो सर ये श्रीनिवास आलय लिंगस्वामी पार्लमेंट सर जी नमस्कार, मेरा नाम अशोक वेमला है, मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ एससी मोर्चा पांडिचेरी प्रदेश का प्रभारी हूँ और प्रोफेशनल में सुप्रीम कोर्ट आ गए बोलगी का वास्तव एक फोटो ले लीजिए ఇంకా నువ్వు రావు ఇవ్వరు వాడు ఎందుకంటే వేస్తుంది ఫ్రీ ఇంకా రావు లేదా నువ్వు ఏంటి చూసావు ఎప్పుడు కొనడం నీకు ఏమైనా వస్తుంది सरपंच श्रीकांत भाई लाइव
సైడ్ అవ్వండి కొంచెం లాంగ్ ఉన్నాడు లాంగ్ ఉన్నాడు
సార్ ఎంత ఫ్యాక్టరీనా ఫుట్ తర్వాత కొట్టుకోవాలి షూస్ తర్వాత తీసుకుంది కదా సార్ సార్ ఇటు వస్తుంది మళ్ళీ ఇటు వస్తుంది చిన్న ప్లేస్ లేదు ప్లేస్ లేదు సార్ पहले रजिस्टर्ड है सर उनका कोई अमाउंट नहीं देना जीरो सर और जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुए हैं उनके 10 रुपये लगेंगे उनके सारे रिकॉर्ड हेल्थ के ऑनलाइन आते हैं आप किसी जगह पे जाएंगे आपके सब रिकॉर्ड्स उनके पास होंगे ये मेरा कार्ड मेरे सारे हेल्थ रिकॉर्ड यहाँ पे और ये डॉक्टर जो जिसके पास जाएंगे ना ये इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँच गए उसके बाद हमने क्यू आर कोड भी बना दिया आप अपने आप बनाएंगे अपने आप ही प्रिंट निकाल Do I have this? The QR code will be scanned in the laboratory as well as we are giving to the patient, sir. It is digital. We are sending the link so that the patient can download it. ये आप सामने की बात कर रहे हैं आप आई रजिस्ट्रेशन सो वी हैव रजिस्टर्ड 1700 पेशेंट्स या PHCs, Babasi Dawakhanas and Urban Care Centers are with trial run has been completed and we are successful. And with Dai, in your presence after this inauguration, we ensure that proper quality care services will reach all to the remote areas. We have got very received very good feedback from a lot of people, sir. And they say that now I can sit at home, go to the PHC, consult the specialist, and I'm sure that my health is good. This is what we refer to. Most of the elderly population.
how many consultation daily you are? So in the department we are providing 10 facilities at present, sir. So, total 130. So somewhere around 90 to 150 per department, sir. So 10 facilities are there. एक दिन में कितने कंसल्टेशन? 130 What is that in the queue? Therefore, is that sitting in the dispensary talking to the patient from our hospital? And consultation is only taking the consultation. Suggestion is only one on the other report. The good day, you can name medicine in chief. Yes, and he adjusts on the sun. Chalamanji problems in this room. Best of the is a non-diabetic hypertension. सारे रीच है हमारे नमस्कार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर की ओर से मैं डॉक्टर रोहिणी और मैं डॉक्टर अभिमन्यु शर्मा अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर मनसुख मांडविया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्री भारत सरकार का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आपका मंच पर स्वागत करते हैं श्रीमान। मैं माननीय कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विकास भाटिया से अनुरोध करूंगा कि वे गुलदस्ते से आपका स्वागत करें। लाइव ही इधर भैया प्लीज फोन अब हम भोगी लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मैं संकाय अध्यक्ष शैक्षिक डॉक्टर राहुल नारंग से अनुरोध करूंगा कि वह गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। मैं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीरज अग्रवाल से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ना फोटोग्राफर ना भैया हमारे सम्मानित अतिथि फोटोग्राफर गणमान्य व्यक्ति संकाय सदस्य रेजिडेंट डॉक्टर स्टाफ और छात्र हम आप सभी का इस आयोजन में स्वागत करते हैं। हर शुभ अवसर की तरह आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करके करें। हम मंच पर मौजूद सभी अतिथियों से दीप जलाने के लिए आगे आने का अनुरोध करते हैं। हम दर्शकों और गणमान्य लोगों से प्रार्थना के लिए खड़े होने का अनुरोध करते हैं। निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दम् परम निर्गुणं निर्विशेषं निरहं परम निर्गुणं सर सर
स्वागत भाषण देने के लिए अब हम अपने संकाय अध्यक्ष शैक्षिक प्रोफेसर डॉक्टर राहुल नारंग को आमंत्रित करते हैं। भैया हेलो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी गारु, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम भुवनगिरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी, प्रोफेसर डॉक्टर विकास भाटिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डॉक्टर नीरज अग्रवाल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स बी डी नगर, ऑनरेबल गेस्ट सिटिंग ऑफ द डायस इंक्लूडिंग आवर गेस्ट फ्रॉम आउटसाइड, Dean, Examination, Registrar, Head of the Departments, Faculty, Undergraduate and Postgraduate Students, Nursing Officers, Staff of AIIMS BB Nagar, Media Personals and my dear friends. On behalf of AIIMS BB Nagar, it's my proud privilege to welcome Dr. Mansukh Mandviya ji. I'm thankful for him, to him for sparing time to bless our newly admitted Undergraduate and Postgraduate Students. Sir, under the able guidance of our Executive Director, a total of 94 faculty members are striving hard to create globally competent undergraduate and postgraduate students of AIIMS BB Nagar. Presently, we are running MBBS, MD, MS and BSc paramedical courses, and we will soon start DM, MCH, PhD and BSc nursing courses and fellowships in various departments. Sir, keeping in line with ICMR DHR policy of Biomedical Innovations and Entrepreneurship 2021, we have been trying to inculcate research acumen in our undergraduate and postgraduate students by creating an environment of research in the institute. A number of extramural and intramural projects are running in the institute, and in addition to hospital-based studies, we are also going to the community for our projects. Sir, keeping in line with Honorable Prime Minister's vision of One Planet, One Health, I am happy to inform that AIIMS BB Nagar has been designated as Regional Coordinator for One Health by National Center for Disease Control, Government of India. We have also contemplated research on climate change and community resilience along with other institutes in multidisciplinary and integrative manner. Sir, in addition to running OPD and IPD services of the hospital, we are working hard to achieve the targets of Ayushman Bharat Digital Mission and e-Sanjeevani. All our efforts are towards Honorable Prime Minister's vision of Ayushman Bharat and Atmanirbhar Bharat. With these words, I once again welcome everybody to this function of AIIMS BB Nagar. थैंक यू महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने दूरदर्शी कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर विकास भाटिया से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करते हैं। भैया कार्य तो बहुत है। नमस्कार डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री कोमट रेड्डी जी, वेंकट रेड्डी जी और ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
my colleagues on the dais, faculty members, guests, media, students, faculty, and everyone present in this hall. आज कितने सौभाग्य की बात है कि इस वक्त की हम सब इंतजार कर रहे थे, आज वो सचमुच साकार हो गई, क्योंकि हमारे बीच हमारे अतिथि कहें या उन्हीं का ही डिपार्टमेंट है, डॉक्टर मनसुख जी, हमारे मिनिस्टर साहब हमारे बीच आए, उन्होंने हमारे लिए याद का दिन रखा, समय रखा, उनका इतना व्यस्त समय, इतना व्यस्त प्रोग्राम है, और पहले भी उन्होंने कोशिश की एक दो बार आने की, तो हम इंतज़ार कर रहे थे और आज वो सच हो गया। फैकल्टी और स्टूडेंट्स और स्टाफ की तरफ से सर मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए। हमारे पास ये एक पुरानी बिल्डिंग है जो कुछ बनी है, 10-15% हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और बाकी का ये सारी बिल्डिंग का अस्पताल बनना है। जगह की कमी है, परिवार हमारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एम्स भुवनेश्वर से कोविड वन पीक ऑफ द कोविड में बाय रोड में यहाँ पे आया जब मेरा सिलेक्शन हुआ, आपका उसके लिए धन्यवाद कि आपने मुझे इसकी जिम्मेवारी दी कि मैं यहाँ तेलंगाना में एक एम्स बना सकूँ, क्योंकि ये बिल्डिंग को यहाँ के लोग पिछले कई वर्षों से देख रहे थे कि एक बिल्डिंग बननी थी, एक अस्पताल बनना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तेलंगाना के लिए जब एम्स का डिसीजन लिया और उन्होंने अनाउंस किया, कैबिनेट ने फेज 7 में ये बना डिक्लेयर हुआ, तो ऐसा लगता है कि लोगों की उम्मीदें सच शुरू होनी शुरू हो गई। जब मैं यहाँ पे आया भुवनेश्वर से तो सब लोग ये पूछते थे कि अभी मैं मई में आया और आते बोल रहे हैं OPD कब शुरू होगी, अस्पताल कब शुरू होगा। बट हमने 2 जून 2019 को जब मैं 15-20 दिन के अंदर ही, तेलंगाना फॉर्मेशन डे है 2 जून, 20 दिन के अंदर हमने OPD शुरू कर दी कोविड के पीक टाइम पे। लोगों को अच्छा लगा, मीडिया वालों को अच्छा लगा, प्रोत्साहन मिला। ये बिल्डिंग के बहुत सारे कमरे सर बंद थे, 70-80 रूम थे जो बंद थे। आंध्रा प्रदेश उस टाइम एक आंध्र प्रदेश जब यूनिक एक था, तेलंगाना और आंध्र एक थे, उन सबको खुलवाया, मास्टर प्लान बनाया। और सर मुझे इस बात की खुशी है कि जो मास्टर प्लान आपने अप्रूव किया यहाँ के लिए, वैसा मास्टर प्लान शायद दूसरे एम्स में नहीं होगा। ये एक यूनिक मास्टर प्लान है, क्योंकि जो मुझे लगता है एम्स भुवनेश्वर या शुरू के जो एम्स में कुछ चीज़ें कमी रह गई थी उस समय, उन चीज़ों को दूर करके हमने सब चीज़ें यहाँ रखी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर फॉरेन में जाते हैं पढ़ने, क्यों जाते हैं वहाँ पे? इसलिए कि वहाँ पे दिमाग और ब्रेन तो वही है, इंसान वही है, वही डॉक्टर है। यहाँ पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है शायद, इसलिए वो USA जाते हैं, यूरोप जाते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे बन जाएंगी और एम्स के अंदर आ जाएंगी, और इसके लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब एकदम, इन्होंने इसके 2 दिन चिंतन शिविर किया दिल्ली में, सारे एम्स के डायरेक्टर्स को बुलाया, इंडिया के सब एक्सपर्ट्स को, टॉप ऑफ द ब्रेन ऑफ द इंडिया यू कैन से, उन्होंने बुलाया चिंतन शिविर में, और सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इतना गहन उस पर डिस्कशन किया एक एक चीज़ पे। और रात को मुझे नहीं मालूम था, मैं जहाँ सो रहा था वो मेरे को बताया कि मंत्री जी भी वहीं पे गेस्ट हाउस में उसी में स्टे कर रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा था। और सुबह 6 बजे उठ के योगा पे चले गए और हम भी योगा की और फिर सारा दिन चर्चा की। जो जो सर हमारे मंत्री जी ने उस समय बताया, उन चीज़ों का एग्जीक्यूशन भी शुरू हो गया। आप देखिए जो आज इन्होंने उद्घाटन किया अभी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उस टाइम पे सुना कि ये एक आभा नाम की चीज़ है कि जिसमें एक नंबर दे देंगे पेशेंट को, सारे उसके मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएंगे, संसार में दुनिया में कहीं भी जाए वो ओपन हो सकता है। आज उसका उद्घाटन किया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ई संजीवनी की अभी सर ने उद्घाटन किया, जिसके लिए खासतौर से कोविड में तो बहुत दिक्कत थी, लोग आ नहीं सकते थे, उसका भी उद्घाटन किया आज सर ने। और ई संजीवनी में अभी हम वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या आउटरीच एरियाज हैं वहाँ पे जो हैं कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग, यहाँ से ही हमारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट और लोग इतने खुश हैं, उनको आना नहीं पड़ता, उसके लिए भी आपका सर धन्यवाद। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हमारी फैकल्टी, हमारे नर्सिंग और हमारा स्टाफ
यहाँ के लोगों की दिल से सेवा करेंगे और इस चीज़ का मुझे प्राउड है कि हमारे एम्स की यहाँ की फैकल्टी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट फैकल्टी है। उसका कारण मैं इसलिए कहता हूँ, जब यहाँ पे फैकल्टी के इंटरव्यू करवा रहे थे तो 138 फैकल्टी पोस्ट के लिए 1800 एप्लीकेशन थी, एक एक डिपार्टमेंट के लिए 200 से 300 तक एप्लीकेंट्स थे। इतने कॉम्पिटिशन के बाद हमने बेस्ट डॉक्टर्स आपके लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और खुशी है कि अभी रोजगार मेला 22 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जो एम्प्लॉयमेंट लेटर ऑफ ऑफर्स दिए, हमारे यहाँ से भी 129 ऑफर्स दिए गए, उसमें 31 फैकल्टी हैं और ज़्यादातर जो हैं सुपर स्पेशलिटी हैं। उनके ज्वाइन करने के बाद हमारे जो यहाँ की संख्या है डिपार्टमेंट की वो 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। हमारा प्रॉमिस है कि 40 डिपार्टमेंट्स आमतौर से हम अच्छे पूरे फुल फंक्शनल एम्स में होंगे और बाकी के भी 10 जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसी 2023 में शुरू हो जाएंगे। मैं सबका इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ अपने फैकल्टी और यहाँ के जो हमारे साथी हैं उनके लिए कि ये जो मास्टर प्लान अप्रूव किया और उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम जो अप्रूव किया ये शायद ना हो पाता, लेकिन लगभग 250-300 करोड़ ज़्यादा उन्होंने अप्रूव कर दिया मंत्री जी ने, जिसकी वजह से हम सबके सपने पूरे होंगे। इनके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस दिन ये हुआ और अनाउंस हुआ उस दिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे को कोई एक और डिग्री मिल गई, इतनी अच्छी फीलिंग आई। और आप लोग हमारे स्टूडेंट्स भी हैं सर, अभी चौथा बैच आ गया और सारे जो 311 स्टूडेंट हैं 311 इसमें 18 राज्यों से हैं, 18 districts 18 states, एक और इंडिया का ट्रू कल्चर यहाँ पे मिनी इंडिया दिखता है। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा एम्स बन जाएगा पूरा तैयार हो जाएगा, हमारे डॉक्टरों को यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूरोप से सुंदर एम्स हम यहाँ पे बनाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं कोविंद रेड्डी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने समय समय पे पूरा सहयोग दिया और आते रहे हमारे बीच। और पिछली बार गवर्नर मैडम आई थी उससे भी आए और आपका भी, और हम सर आपसे चाहेंगे कि आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएँ दीजिए और एम्स को बनाने में जितनी जल्दी बनवा दें उतना हम आपका और ज़्यादा आपका धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम और सर्विस इंक्रीज करें। इन शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपने अनुभव और हमारे संस्थान की प्रगति को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम बोंगे लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री कोमटीरेड्डी वेंकट रेड्डी जी से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करते हैं। सबको नमस्कार। पहला हमारा माननीय मंत्री जी को धन्यवाद बोलते हुए मनसुख मांडविया जी, पार्लियामेंट अभी सेशन चल रहे इतना बिजी टाइम में भी एम बीपीनगर विजिट करने के वास्ते आए हुए थे, उसको आप सबको एक ही रिक्वेस्ट है, माननीय जी मिनिस्टर बनने के बाद चार्ज लेने के बाद थर्ड दिन मैं साहब का अपॉइंटमेंट पूछे तो उसी दिन संडे था, फिर भी अपॉइंटमेंट दे के पूरा रिव्यू करके मैं जो प्रॉब्लम था इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो बिल्डिंग्स का सैंक्शन नहीं हुए थे, बजट कम थे, पूरा सॉल्व करके उसी दिन ऑर्डर दिया है। दो तीन महीने में टेंडर बुला के वर्क स्टार्ट कर रहा। मेरा रिक्वेस्ट यही है आप जोर से तालियां बना के मिनिस्टर साहब को वेलकम कर रहे होंगे। मैं भी परेशान हुए सात संडे अपॉइंटमेंट देते नहीं देते, नया नया मिनिस्टर रखते सब जने मिलने के वास्ते, फिर भी उतना टाइम लेके दो घंटे डिस्कस करते। अब काम भी शुरू हो गए दो टावर्स का, उसके साथ हमारा डायनामिक डायरेक्टर साहब है भाटिया साहब डेली रेगुलर बात करते हुए, डीन नारायण साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट अरुण अग्रवाल जी, स्टाफ एंड डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स सबको नमस्कार। एम बीबी नगर बहुत स्लो चल रहा था साहब, दिस फोर्थ ईयर आ गए, मगर फैसिलिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा कमी गिरी थे ये दो साल से, आप आने के बाद बहुत
तेजी से चल रहा है, वहाँ डॉक्टर्स की कोरोना काल में भी अभी भी आज जो आप बिना ग्रेजुएशन घरे उसका सेवा भी आज उपलब्ध है। ये खाली नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट है, नलगोंडा मेदक रंगारेड्डी पाटा हैदराबाद। आज जो आप बिना ग्रेजुएशन घरे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और ई संजीवनी QR कोड एंड अबा एंड HMS ऐसा प्रयाकाश अभी भी देखे थे अपन। एक बड़े आदमी बोल रहे थे कितना कितना सहूलत करें, इसके वजह से किधर भी जाने के पर नहीं मिलता, मेडिसिन भी यही मिल रहे, ऐसा ट्रीटमेंट या एम्स में मिलना। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है मिनिस्टर साहब से, मेरे पूरा भरोसा है साहब के ऊपर, ऐसा डायनेमिक मिनिस्टर सब मिनिस्टरों को मिलता हूँ। दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुआ था मेरा 25 मिनट, उसमें एम्स का भी बात करे थे। इससे पहले भी मैं मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करा, तब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके एक बार एम्स का फाउंडेशन के साथ विजिट करना बोलकर रिक्वेस्ट करे थे। अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑन बिहाफ दी एम्स बीपी नगर, नेक्स्ट कभी भी विजिट है प्राइम मिनिस्टर साहब का दिसंबर या जनवरी में एम्स बीपी नगर को साहब को लाना बोलकर आपको रिक्वेस्ट करते हुए, जो फंड्स का जरूरत है वो फंड्स को इमीडिएट जल्दी जल्दी आप रिलीज कराते, मेरे मान रहे था मैं तो डेली आपको मिलता हूँ, आप बगैर बोलते ही आप रिव्यू करते रहते पूरा मैं देख लूँ। आप जब से मैंने कोरोना का काम में भी 24 आवर्स सर्विस करे, आपको प्रधानमंत्री जी सबको यहाँ का तेलंगाना का तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए, ये आयुष्मान भारत भी इम्प्लीमेंटेशन करने का तेलंगाना में ज़्यादा ले रहा साहब, कहीं बोले तो हमारे पास आरोग्य स्कीम है, कोरोना में करोना गरीब लोग बहुत लोग मर गए साहब, पैसे नहीं करोना आरोग्य स्कीम में इंक्लूड नहीं करे, बाद में इन्वॉल्व करा भाई आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के बाद इन्वॉल्व करके वो भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, उसका भी आप इंटरेस्ट लेके कराना बोल के और एक बार रिक्वेस्ट कर गए। मैं सबके साथ सबसे बेस्ट एम्स बनना बोल के एक ही रिक्वेस्ट है मेरा आपके अंदर लीडरशिप के अंदर वो करना बोल के आपको रिसेप्ट मैं अगर उन्ना एम्स वर्वा తెలుగు మీద బోల్తా దుబార్ కైకూలతో ఏం చాలా ఎక్కువ మా తెలుగులో మా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కూడా చాలామందికి ఎయిమ్స్లో సీట్ వస్తున్నాయి, ఎందుకంటే అదొక ఇన్స్పిరేషన్, మా దగ్గర ఎయిమ్స్ ఉన్నది కాబట్టి మనం ఎయిమ్స్లో సీట్ తెచ్చుకోవాలని ఎంతోమంది ఎయిమ్స్లో కూడా సీట్ తెచ్చుకుంటున్నాం, మాకు ఒక ప్రెస్టేజ్ యూనివర్సిటీగా ఉన్నది, దీనికి సంబంధించి ట్రైన్ సిస్టమ్ MMTS కూడా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిని అప్ టు భువనగిరి రాయగిరి వరకు కావాలని అంటే ఆయన కూడా ఈవెన్ పాజిటివ్గా స్పందించి దాన్ని కూడా శాంక్షన్ చేస్తారని చెప్పిండు మరొకసారి బహుత్ శుక్రియా మాండవే సార్ ఆప్ జో ఎవరి ఇష్యూ అయి ఆప్ డైరెక్ట్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ లేదా ఉంటే మేరా రిక్వెస్ట్ అయి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। महर्षि चरक शपथ, शपथ में छात्र जीवन के दौरान वैराग्य की आवश्यकता, छात्र गुरु संबंध, रोगी के कल्याण के लिए स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करने का महत्व, किसका इलाज करना है, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना है और कई अन्य संबंधित विषयों पर स्पष्ट निर्देश दिए गए। अब मैं माननीय कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर विकास भाटिया से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मंत्री जी को चरक शपथ का स्मृति चिन्ह भेंट करें। हेलो सर। अब मैं संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राहुल नारंग से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय सांसद श्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी जी को चरक शपथ का स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब हम मुख्य अतिथि से अनुरोध करेंगे कि वे छात्रों को चरक शपथ दिलाने की आज्ञा दें। छात्र कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जाए
प्लीज भैया हेलो सभी स्टूडेंट अध्ययन के अवधि के दौरान मैं अपने शिक्षकों और साथियों के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करूंगा। मेरा कार्य चौकस सेवा उन्मुख होगा एवं अनुशासनहीनता और ईर्ष्या से मुक्त होगा। अपने व्यवहार में मैं धैर्यवान आज्ञाकारी विनम्र निरंतर चिंतनशील और शांत रहूंगा। मैं अपने पेशे के वांछित लक्ष्य की दिशा में अपना पूरा प्रयास और क्षमता लगाऊंगा। एक चिकित्सक के रूप में मैं हमेशा अपने ज्ञान का उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए करूंगा। मैं मरीजों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। भले ही मैं बेहद व्यस्त और थका हुआ हूँ, मैं धन या स्वार्थ के लिए किसी भी रोगी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और न ही काम लोभ या धन की इच्छा मन में रखूंगा। अनैतिकता मेरे विचारों में कभी नहीं आएगी। मेरा पहनावा सभ्य होने के साथ साथ प्रभावशाली और प्रेरक आत्मविश्वास वाला होगा। मेरा आचरण हमेशा उचित सुखद सच्चा हितकारी और विनम्र होगा। मैं अपने अनुभव का उपयोग समय और स्थान के लिए उपयुक्त कार्यों में करूंगा। मैं क्षेत्र में नवीनतम विकास को पूरा करने अद्यतित रखने और अपने ज्ञान को व्यापक बनाने का लगातार प्रयास करूंगा। मैं अपने से भिन्न के रोगी का इलाज रिश्तेदारों या परिचारकों की उपस्थिति में करूंगा। किसी रोगी की जांच करते समय मेरा विवेक ज्ञान और सूझ रोग के उपचार पर केंद्रित होगा। मैं रोगी या परिवार से संबंधित गोपनीयता को अनुचित रूप से प्रकट नहीं करूंगा। मैं अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन अहंकार के साथ नहीं करूंगा। अब हम अपने कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर विकास भाटिया जी से मुख्य अतिथि डॉक्टर मनसुख पांड्या जी को भेंट देकर सम्मानित करने का अनुरोध करते हैं। हेलो फोटो हेलो फोन किंदी 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 का अन्ना डीडी डीडी भैया किंदी की मांगे फोटो अरे अन्ना अन्ना वस्तुना ना किंदा किंदी वांगन ब्रो किंदी कांगे अन्ना किंदी वांगे अब हम अपने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीरज अग्रवाल से अनुरोध करते हैं कि वे माननीय सांसद को किंदी वांग भैया वेट करें हाँ ना किन्नी वांगन मेरे फिर हाँ राइट सर
भैया खुद वांगो भैया खुद वांगी इसको फोटो सांसद को स्मृति चिन्ह भेंटने का भेंट करने का अनुरोध करते हैं। पाइक ले अब मैं डॉक्टर अभिमन्यु से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि का परिचय दें। डॉक्टर मनसुख मांडविया का जन्म भावनगर जिले के पलिताना तालुका में गांव हनोल में 1 जून 1972 को हुआ था। आपने महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर विश्वविद्यालय गुजरात से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात आपने गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च अहमदाबाद से राजनीति विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मांडविया 2002 में विधानसभा के लिए पहली बार चुने जाने पर गुजरात में सबसे कम उम्र के विधानसभा के सदस्य बने। अप्रैल 2012 में आप गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। 5 जुलाई 2016 से 30 मई 2019 तक आप केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। अप्रैल 2018 में आप गुजरात से राज्यसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। 30 मई 2019 से 7 जुलाई 2021 तक आप केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे तथा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। 7 जुलाई 2021 से आपने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री का कार्यभार संभाला। डॉक्टर मनसुख मांडविया को यूनिसेफ द्वारा महिला स्वास्थ्य देखभाल पहल में उनके योगदान और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 10 करोड़ सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। हम आपका अभिनंदन करते हैं श्रीमान, और आपसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर हैदराबाद की सभा को संबोधित करने का निवेदन करते हैं। बीबी नगर के आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित
संसद के मेरे साथी और लोकसभा के सदस्य कौमाती रेड्डी वेंकट रेड्डी जी, संस्था के डायरेक्टर विकास पाठिया जी, राहुल जी, अग्रवाल जी, सभी उपस्थित फैकल्टी, स्टूडेंट्स, भाई और बहन, आज आप सब लोगों ने जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उन्होंने चरम शपथ लिया, और जब मैं शपथ आपको लिखवा रहा था तब मेरे मन में आ रहा था कि आज से सदियों पहले हजारों साल पूर्व एक देश में सोच यानी कि विचार कितना सभ्य था, जो आज भी आप सोचेंगे तो आपको उपयुक्त लगेंगे, जो ये जमाने में आचार्य चरक ने कहा एक डॉक्टर के रूप में आपका व्यवहार कैसा होगा, एक डॉक्टर के रूप में आप आपकी ड्यूटी कैसे अदा करेंगे, जब आप ड्यूटी अदा करेंगे तब कौन सी डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। एक चरक शपथ में उन्होंने हजारों साल पहले हमारे सामने रखा था, ये बताता है कि इंडिया के विचार, इंडिया की सभ्यता, इंडिया की सोच बहुत पुरानी है। हम पहले से ही सभ्य हैं, हम पहले से ही मैं कह सकता हूं कि हम विकसित थे, फिर हम विकसित हो रहे हैं। हम सब स्टूडेंट यहां बीबी नगर एम्स में अभ्यास कर रहे हैं, तब जब मैं यूथ के साथ मिलता हूं, यूथ की एनर्जी को देखता हूं, यूथ की एनर्जी के साथ मुझे सिनर्जी भी दिखती है। आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में अभ्यास कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूट देश में टर्शियरी केयर के लिए सबसे ऊपर है, और आप जब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में अभ्यास कर रहे हैं या तो फैकल्टीज के रूप में काम कर रहे हैं, तब दोस्तों मेरा मानना है कि आपका दायित्व बहुत बढ़ जाता है। जब पेशेंट एम्स में आते हैं तो बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल ने जब रिकमेंडेशन कर दिया हो कि अभी मेरा बहस का काम नहीं है, आप ऊपर जाइए, आप एम्स में बताइए, और आज देश में भी यही माइंडसेट है कि लास्ट में हमने एम्स में दिखा दिया, लेकिन एम्स के डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी आपको उसमें रिजल्ट मिलना संभव नहीं है, तो देश में माना जाता है कि और उसका इलाज नहीं है। दोस्तों ऐसे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, तब आपको कई जिम्मेवारियों के साथ कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों देश में आवाज आ रहा है गुजरात ऊपर नीचे, जब आप दोस्तों इस समय में आप एम्स के स्टूडेंट के रूप में अभ्यास कर रहे हैं, जिस समय में देश में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है,
हर व्यक्ति को आपके निवास के नजदीक में से नजदीक सेंटर पर इलाज मिले, पैसा है उसको भी इलाज मिले, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी इलाज मिले, सब लोगों को अच्छा इलाज मिलने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए सारे देश में आज काम हो रहा है। 5,000 पॉपुलेशन का एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है। 2018 में मोदी जी ने तय किया था कि हम देश में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दिसंबर 2022 अंत तक 1,50,000 बनाना था, आज 1,33,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में कार्यरत हो। देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने, वहां डॉक्टर्स को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्राइमरी स्क्रीनिंग हो जाने के बाद वहां से डॉक्टर को ऐसा लगे कि पेशेंट को और आगे दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, इस अप्रोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं ताकि गरीब गरीब होता है दोस्तों, उसके जेब में पैसा नहीं होता है और एक सप्ताह के लिए 2-3 दिन के लिए वो बीमार रहते हैं, इतने दिनों की उसकी आय उसकी मजदूरी पड़ती है और उसको मजदूरी से गैप होता है, हर दिन का कमाई के हर दिन खाने वाले लोग पर उसकी बहुत बड़ी नेगेटिव इफेक्ट होती है। आज तक ये चलता था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आए डॉक्टर ने बोल दिया कि आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बताइए, सर्जन को बताइए, तो फिर पेशेंट वहां से जाता था, जब पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाएंगे तब उसके जेब में पैसा चाहिए, उसके साथ एक सपोर्टर चाहिए, वो भी उसके परिवार के दूसरे सदस्य को लेके जाने पड़ता था और वहां उसका इलाज होता था तो खर्च भी होता था। लेकिन हमने सुनिश्चित किया टेली कंसल्टेशन के माध्यम से 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पॉक बनाने के लिए कार्य करना चालू किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या तो एम्स वो हब बने, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्पॉक बने, हब एंड स्पॉक के माध्यम से टेली कंसल्टेशन के आधार पर एक एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस एक गांव के गरीब परिवार को अपने नजदीक के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिल जाए, इस दिशा में काम चालू हुआ। आज मुझे खुशी हुई हमारे एम्स में भी यहाँ टेली कंसल्टेशन का व्याप बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई। दोस्तों, उससे दो फायदा होगा, जब स्टूडेंट के रूप में आज पढ़ रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में जो रिसर्च इनोवेशन हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ रहा है, देश डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के ऐसा मानने का कारण नहीं है और दोस्तों ये सोच भी आज के लिए हिंदुस्तान के लिए उपयुक्त नहीं है। ये नया भारत है दोस्तों, ये बदल रहा भारत है। आज मैंने सारे कोविड क्राइसिस के दरमियान सारी दुनिया के साथ बातचीत की है, सारी दुनिया के साथ मेरा संपर्क होता था, हर दिन मीटिंग होती थी और दुनिया की स्थिति मैंने देखी है, तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम जब डिजिटल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से डिजिटल टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में, डिजिटल टेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर सेक्टर में उपयोग करके दुनिया में नंबर 1 बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं दोस्तों। आज आभा कार्ड आने वाले दिनों में जब आप डॉक्टर बन के आएंगे ना, तब ज्यादातर आप टेली कंसल्टेशन पर भाग देते होंगे, आप आभा आईडी का उपयोग करके पेशेंट की हिस्ट्री देखते होंगे, लंबी लाइन में खड़े रहने के अलावा टेली कंसल्टेशन के माध्यम से पेशेंट को कंसल्ट करके जिसको आवश्यकता हो उसको ही आप अस्पताल बुलाते होंगे। ये आने वाले दिनों में मैं स्पष्ट देख रहा हूं। इतना ही नहीं,
दोस्तों आपकी जिम्मेवारी उस वक्त बहुत बदली हुई होगी। हेल्थ सेक्टर में जिस दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए भारत सरकार ने हील इन इंडिया इनिशिएटिव दिया। हम हील इन इंडिया के माध्यम से आने वाले दिनों में दुनिया के साथ कंट्री टू कंट्री, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू कंट्री, कंट्री टू हॉस्पिटल, लार्ज नंबर में हम साइन करके हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो एक्सपर्टाइज है, हमारी क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी ट्रीटमेंट का मानक हिंदुस्तान के डॉक्टर ने स्थापित किया है। दुनिया में ट्रीटमेंट कर रहे 10 लाख से अधिक इंडियन डॉक्टर्स विश्व में हिंदुस्तान की शाख को स्थापित किया है और उसको देखते हुए मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में हील इन इंडिया के माध्यम से दुनिया ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत मोटी संख्या में, विशाल संख्या में इंडिया में आने वाली। हिंदुस्तान के नागरिकों का स्वास्थ्य को भी देखना है दोस्तों, विश्व के नागरिकों के स्वास्थ्य को देखने की जिम्मेवारी भी मैं स्पष्ट देख रहा हूं आने वाले दिनों में हमारे पर आ रही। मैंने कोविड क्राइसिस में देखा हिंदुस्तान का सॉफ्ट पावर, देखा हिंदुस्तान के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की क्षमता, देखी हिंदुस्तान का फार्मा सेक्टर, उसकी ताकत देखी। जब फर्स्ट सेकंड लॉकडाउन चल रहा था दुनिया के पास ये स्थिति थी, लॉकडाउन के खिलाफ एजिटेशन चल रहा था, हिंदुस्तान में कोई जगह में एजिटेशन नहीं हो, दुनिया में डॉक्टर्स हॉस्पिटल नहीं आते, नर्सेस हॉस्पिटल नहीं आते, और दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर मुझे बता रहे थे कि अंडरवर्ल्ड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी आर सफरिंग दिस टाइप ऑफ क्राइसिस। तब मैं कहता हूं और आपको अभिनंदन भी देता हूं, कई हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे पैरामेडिक स्टाफ दिनों तक, माँ हो अपने बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के वो घर इसलिए नहीं जाती थी, वो कोविड वार्ड में ड्यूटी देते थे, डॉक्टर हो या नर्स हो, उसको ऐसा लगता था कि मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरे बच्चे को मिलूँगा, मेरे फैमिली को मिलूँगा, शायद वो भी संक्रमित हो जाएंगे। दोस्तों कई डॉक्टर्स थे, नर्स ने अपना स्वयं को खपा दिया, लेकिन देश के प्रति अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। दोस्तों इसलिए मैं आप सबको एक बार हार्दिक बधाई देता और उसका रिफ्लेक्शन दुनिया ने देखा, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ कमिटमेंट और डेडिकेशन से कैसे काम करते हैं। दूसरा, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं और उन्होंने ही मानक स्थापित किया हो, हम उसको फॉलो करते आए हैं। ठीक है, दुनिया में जहां कुछ अच्छा हो रहा है उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन दोस्तों समय यह आया है इंडिया ने मानक स्थापित किया हो दुनिया उसको फॉलो करने लगी। और जिस दिन कोविड के दरमियान हर दिन सुबह में 9:30 को मेरे यहां देश के साइंटिस्ट लोग, आईसीएमआर के डीजी हो, नीति आयोग के डायरेक्टर हो, देश के एक्सपर्ट साइंटिस्ट हो, उसके साथ डेली मीटिंग होती थी। तो एक बार मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन आया और प्रेजेंटेशन में मेरे सामने रखा गया कि वैक्सीन की इफेक्ट कितनी है, और इफेक्ट बताते हुए एक न्यूयॉर्क में 200 पेशेंट पर दी गई स्टडी का एग्जांपल दिया गया। मैंने सामने रखा कि न्यूयॉर्क में 200 लोगों पर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई और उसमें ये निष्कर्ष निकल के आया। तब मैंने केवल एक ही क्वेश्चन राइज किया था कि अच्छा है न्यूयॉर्क में स्टडी निकली, हमें देखनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो हमारे हर हैंड्स, हमारा कोविन प्लेटफॉर्म, और उस वक्त 20 करोड़ डोज एडमिनिस्टर किया गया था, उसका डेटा हमारे पास उपलब्ध है, हम हमारी स्टडी नहीं निकाल सकते। अगले वीक में आप ऐसी स्टडी
बना के मेरे सामने आके प्रेजेंटेशन दीजिए। और मेरे सामने जब प्रेजेंटेशन दिया, मैंने कहा को इंटरनेशनल जर्नल को भेजो। आज और तब से दुनिया हमारी स्टडी का एग्जाम्पल देके अपने देश में लोगों को दिखाने लगे थे। ये देश में ब्रांड पावर और मैन पावर की दोस्तों कभी कमी नहीं थी, सवाल था उसको अपॉर्चुनिटी देने का। आप जैसे यूथ, टैलेंटेड यूथ, उसमें रही शक्ति, उसमें रही संपदा, उसको उस पर भरोसा करके इसको अवसर दिया जाने का काम मोदी जी ने कोविड क्राइसिस में किया। आप ही जैसे, आप ऐसे ही निकले हुए कई साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ मोदी जी बैठे थे और मोदी जी ने उस वक्त बात कही कि अब कोविड का सॉल्यूशन क्या, उसका इलाज क्या। तो अंत में हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, वैक्सीन ही उसका सॉल्यूशन है। तब मोदी जी ने कहा था कि हम वैक्सीन बना सकते हैं क्या। तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा, साहब हम बना सकते हैं। बगल में बैठे हुए दूसरे हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि साहब हम बना तो सकते हैं, लेकिन हमारी प्रोसीजर ही ऐसी है, इतने समय में डेटा जनरेट करना, इतने समय में उसका रिजल्ट लाना, इतने समय में जाएंगे तो आईसी, तो DGCI उसको अप्रूवल देंगे और उसमें इतना टेस्ट करना, ये सब सारी प्रोसीजर में 4.5 साल लगे। हम आज रिसर्च करना चालू करेंगे तो 4.5 साल के बाद हिंदुस्तान में हमें अप्रूवल मिलेगी, वो सही चला तो, तब तक तो देश का क्या होगा। तो मोदी जी ने पूछा कि क्या करना चाहिए, वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, उसका अध्ययन करके हम हमारी प्रैक्टिस में परिवर्तन नहीं कर सकते क्या, ताकि क्वालिटी में भी बार्गेनिंग ना हो और हम देश को बेस्ट आउटपुट भी दे पाए। इतना कह के मोदी जी मीटिंग से निकले थे, लेकिन उसके बाद की जिम्मेवारी एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरी बन जाती थी। हमने उस विषय पर काम करना चालू किया, साइंटिस्ट कम्युनिटी को कहा आप आगे बढ़िए, जो रूल्स रेगुलेशन में बदलाव करना है वो हमारा काम है, आप सुझाव दीजिए, उसके आधार पर हम बदलाव करते जाएंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि देखो रिसर्च दुनिया में ही होता है, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं, हमारे ही साइंटिस्ट लोगों ने देश में वैक्सीन का रिसर्च किया, दुनिया में रिसर्च होके फर्स्ट डोज 20 दिसंबर 2020 में लगा था, उसके 29 डेज के बाद, एक महीने के बाद इंडिया में इंडियन रिसर्च, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फर्स्ट डोज 19 जनवरी 2021 में हमने लगा दी। दोस्तों ये हमारी ताकत है, ये ताकत को आने वाले दिनों में हमें और आगे ले जाना है। देश में अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर हो, सभी को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना निकाली। आज से 8 साल पहले शायद आप में से कभी किसी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, अमेरिका में ओबामा ने 10 करोड़ अमेरिकन नागरिक के लिए हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम निकाली थी और सारी दुनिया में ओबामा की वाहवाही हुई कि ओबामा ने यूएसए के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी। दोस्तों हिंदुस्तान में 11 करोड़ फैमिली यानी कि 55 करोड़ लोग, 5 लाख की हेल्थ सिक्योरिटी के माध्यम से आज देश के निडी लोग, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा सुलभ हो रही है। आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में जिस गति से रिफॉर्म हो रहा है, जिस गति से बदलाव हो रहा है, उसका लाभ दोस्तों आपको मिलने वाला है। मेरी आपसे एक अपेक्षा है दोस्तों,
यहाँ बैठी हुई फैकल्टी से भी अपेक्षा है और स्टडी कर रहे सभी स्टूडेंट से भी मेरी अपेक्षा है, एक बार नेशनल मेडिकल कमीशन ने सिलेबस में क्या रिफॉर्म करना चाहिए और कैसा सिलेबस होना चाहिए उसके लिए एक दिन का वर्कशॉप रखा था, तो उसमें देश के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इनवाइटेड थे, एक्सपर्ट लोग इनवाइटेड थे, ऐसा करके 300-400 लोगों का कोरम था। उसके समापन समारोह में मुझे बुलाया गया, तो मैं मेरे समापन समारोह के भाषण में कहा कि हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने की जिम्मेवारी ये आप लोगों की है। तो मैंने कहा स्वाभाविक तौर पर आपको लगा होगा कि हमारे प्रिंसिपल और हमारी फैकल्टीज की एक्सपर्ट लोगों की जवाबदारी कैसे हो सकती है, ये तो सरकार की जवाबदारी होगी, लेकिन ये मंत्री जी तो हमारे पर डाल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर पहली दृष्टि से तो उसको ऐसा ही लगा होगा, लेकिन मैंने उसको उस वक्त कहा कि ये जिम्मेवारी आपकी इसलिए है, जब स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल होते हैं प्रवेश लेते हैं 5 साल तक वो कॉलेज में रहते हैं। दोस्तों एजुकेशन केवल हाथ से लिखा हुआ एजुकेशन ये पूर्ण एजुकेशन नहीं है, पढ़ा हुआ एजुकेशन पूर्ण एजुकेशन नहीं है, लिखना पढ़ना एग्जाम में पास हो जाना ये तो सब करना ही करना है, मन से मस्तिष्क से ये प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन मैंने कहा कि एजुकेशन का एक पैरामीटर हार्ट से निकलता है, वो हृदय से निकलता है। नई जनरेशन को स्टूडेंट को हृदय का एजुकेशन देना होगा, उसको हार्ट का फीलिंग का एजुकेशन देना होगा, उसको 5 साल तक कंटिन्यू से पढ़ाना है कि हेल्थ एक कॉमर्स नहीं है दोस्तों, हेल्थ एक सेवा है और आप सेवा के यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, आपकी देश के नागरिक की स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है, आप डॉक्टर बनके देश के निर्माण में आप कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, देश के नागरिक स्वस्थ होगा तो सोसाइटी स्वस्थ होगी, समाज स्वस्थ होगा, स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की एक नींव एक ईंट एक पत्थर के रूप में एज ए डॉक्टर हमारा भी दायित्व। और जब आप डॉक्टर बन के बाहर आए, जब हम चरक संहिता में चरक चमत में देखा दोस्तों हमें कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करना होगा, हेल्थ एक्सेसिबल करना है। आज मेरे पास कई रिकमेंडेशन आते हैं, ऑनरेबल एमपी जैसे लोगों का कॉल आता है कि मंत्री जी आप कहिए हमारा जो बॉन्ड है ना, मैं बॉन्ड पे काम करना नहीं चाहता, मैं बॉन्ड को पैसा के रूप में दे दूं लेकिन मैं प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहता हूं, सिटी में रहना चाहता हूं, जी नहीं, हमें हमारे न्यू जनरेशन को सिखाना है, हमारा भी एक दायित्व है दोस्तों। आज देश के जवान देश के सैनिक, मैं एक बार सियाचिन ग्लेशियर गया था, सियाचिन ग्लेशियर चाइना के साथ जुड़ी हुई हमारी बॉर्डर है, उत्तांग हिमालय की शिखाएं है वहां पर, और मैं जब गया था देश में समर चल रहा था, 45 डिग्री टेम्परेचर था, और जब मैं हिमालय के उत्तंग शिखर सियाचिन ग्लेशियर के बॉर्डर पर हमारे जवान को मिलने के लिए गया, वहां -40 डिग्री टेम्परेचर, माइनस डिग्री टेम्परेचर में हमारे जवान वहां देश के लिए देश की सेवा के लिए खड़े थे। दोस्तों एकदम लो ऑक्सीजन था, तेजी से विंड फ्लो हो रहा था, मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि सियाचिन ग्लेशियर पर
सैनिक अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं, 6 महीना वहां ड्यूटी करते हैं तो उसकी एज 3 साल कम हो जाती है। लेकिन भी हमारे जवान मना नहीं करते हैं, वो अपना दायित्व अदा करने के लिए वहां उपस्थित रहते हैं और मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये हमारे जवान वहां अपना दायित्व निभा रहा है, तो हमारा दायित्व एज ए डॉक्टर क्या है? मैं मानता हूं कि एज ए डॉक्टर, हम डॉक्टर बनने के बाद मेरी फैकल्टीज, मेरे स्टूडेंट को हमेशा ये बताए कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे, इसलिए मैं 1-2 साल 3 साल मेरा कर्तव्य वहन करने के लिए मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर चले जाऊं। मैं सामने से कहूं कि मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 3 साल काम करूंगा, 1 साल काम करूंगा, बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गांव के गरीब लोगों की सेवा करने के लिए 2 साल 1 साल मैं मेरी ड्यूटी सामने से अदा करूं, ऐसे हम न्यू जनरेशन को तैयार कर पाएंगे। एक बात जो मेरे डॉक्टर, देश में 12 लाख से अधिक डॉक्टर के मन में ये विचार आए कि जी नहीं, मेरा भी देश के प्रति कर्तव्य है और मुझे भी मेरे देश के गरीब और मेरे देश के गांव के लोगों के प्रति दायित्व अदा करने के लिए कुछ करना है, तब जाके हेल्थ एक्सेसिबल हो जाए। और दोस्तों, हेल्थ अफोर्डेबल कैसे होगा? जैसा मैंने कहा, हेल्थ हमारे आजीविका का साधन हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हम सब लोग फ्री सेवा दे दें, जी नहीं, आजीविका के लिए कमाना आवश्यक होता है, कमाना भी चाहिए, हमारी आजीविका चलनी भी चाहिए। लेकिन जब पेशेंट हमारे सामने आता है ना, उसके जेब में है नहीं है, उसका ख्याल भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। उसके पास नहीं, हमारी फीस क्या है दोस्तों, वे भी जब हम स्वास्थ्य के साथ जुड़े हैं तो केवल न केवल कॉमर्स के रूप में हम हमारे हॉस्पिटल को ना चलाएं, हम केवल हेल्थ को कॉमर्स के रूप में ना देखें, हम उसको सेवा में के रूप में देखें, तब जाके देश में हेल्थ केयर ऑटोमेटिक अफोर्डेबल हो जाए। गवर्नमेंट की ओर से तो एफर्ट होता है, होता रहेगा, आयुष्मान भारत जैसी योजना, जन औषधि केंद्र जैसे जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाइयां की उपलब्धि, सरकारी अस्पताल, देश में डॉक्टर की उपलब्धता, देश के डॉक्टर, देश के स्टूडेंट उसको सस्ता मेडिकल एजुकेशन उपलब्ध हो, देश और दुनिया में उसको एजुकेशन के लिए जाने की नौबत ना आए, इसलिए 2014 से हमने हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव किया। आप सब लोगों ने देखा होगा जो 368 मेडिकल कॉलेज थी, आज बढ़ के 646 मेडिकल कॉलेज में, 44,000 MBBS की सीट थी, लास्ट रिपोर्ट मेरे पास आया 97,000 MBBS की सीट इस ईयर, पीजी की सीट लगातार बढ़ रही है, 105% पीजी सीट में बढ़ोतरी हुई है, ताकि देश को एक्सपर्ट डॉक्टर की उपलब्धता हो। 2014 में 31,000 पीजी की सीट थी, वो आज बढ़ के 63,000 हो चुकी है, 105% उसमें बढ़ोतरी हुई है। और आने वाले दिनों में हम और मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम काम करना चालू किया है, और उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। नेशनल मेडिकल कमीशन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है, सभी मेडिकल कॉलेज में 16 कैमरा लगाया गया है, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, 16 कैमरे के माध्यम से हॉस्पिटल में किसने एंट्री ली,
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जब देखना चाहे तब देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कितने ओपिनियन हो रहा है कैमरे के माध्यम से वो देखेंगे। क्या क्या फैसिलिटी है 24/7 उसका मॉनिटरिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता रहेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पिप पप 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 करके बताएंगे कि यहाँ ओपीडी नहीं है, हमारा स्टूडेंट क्या सीखेगा, और वहां से हम उसको अलर्ट देंगे ओपीडी नहीं होगी तो आपकी मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगी। मेडिकल कॉलेज चलाना है तो वहां फैकल्टीज होनी होगी, पेशेंट होना होगा और इक्विपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना होगा। ये दिशा में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। हमें देश में क्वालिटी एजुकेशन देना, देश में एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर उपलब्ध कराना है और देश में हेल्थ फोर्स तैयार करके देश की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है और दुनिया को भी मदद करना है। दोस्तों हम भारत है, हमें हमारी विरासत से प्रेरणा लेना है। हम केवल अपना ही सोचने वाले लोग नहीं है, मुझे पता है, मुझे याद है देश में 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया और 4 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी ने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि दुनिया से खबर आ रही है और मुझे कॉल आ रहा है देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन की स्थिति क्या है। मैंने एनालिसिस करके रिपोर्ट दिया और मैंने तो इतना ही कहा था कि देश के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन है। तब दोस्तों मोदी जी ने मुझे कहा था कि देश के लिए तो है लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम के विचार के वाहक है, हम दुनिया को परिवार मानते हैं और दुनिया को मदद करना यह हमारा दायित्व है। और उस वक्त मैंने देश के सभी फार्मा इंडस्ट्रीज को नोटिफिकेशन निकाल के सभी स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्टर को कहा था कि सभी फार्मा इंडस्ट्रीज और उसमें काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज के लिए लॉकडाउन पास दिया जाए ताकि फार्मा इंडस्ट्रीज चालू हो और देश की रिक्वायरमेंट भी पूरा करे और दुनिया को भी मदद करे। और देश में लॉकडाउन था, दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी। एक कंट्री की ओर से मुझे कॉल आया, डार्ट ऑफ कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे कहा कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं फार्मा विभाग का भी मंत्री हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहां 19 डेज से एजिथ्रोमाइसिन नहीं है, हम आपको वेंटिलेटर भेजेंगे, आप हमें कृपया करके एजिथ्रोमाइसिन दीजिए। तब दोस्तों मैंने कहा था कि हमारे यहां वेंटिलेटर की जरूरत है, आप अवश्य भेजिए लेकिन हमारी कोई शर्त नहीं है, आप प्लेन भेजिए, हम आपको एजिथ्रोमाइसिन दें। 150 कंट्री को हमने मेडिसिन उपलब्ध कराया, 150 कंट्री, 69 कंट्री ने किसी ने ट्वीट करके मोदी जी को थैंक यू कहा, किसी ने कॉल करके थैंक यू कहा। और जब ब्राजील का प्लेन यहां से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेके ब्राजील पहुंचा तो वहां का प्रेसिडेंट ने मोदी जी के लिए ट्वीट किया कि आपने हमें हनुमान के रूप में प्लेन भेजा है और संजीवनी लेके हनुमान हमारे यहाँ आया है, ऐसा फीलिंग हमको हो रहा है। दोस्तों हमारी विरासत ने हमें सिखाया है हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं है। लाभ की बात करना यानी कि मेरा कल्याण हो, मेरा भला हो, मेरे लिए सब कुछ हो, वो तो सब कुछ सोचेंगे, दुनिया की सभी सभ्यता सोचेगी, लेकिन हम तो हमारे घर के प्रवेश द्वार के ऊपर लिखते हैं लाभ के साथ शुभ। लाभ भी हो, मेरा भी कल्याण हो, लेकिन हम शुभ लिख के बताते हैं कि सामने वाले का भी कल्याण होना चाहिए, सामने वाले का भी भला होना चाहिए, दूसरे का भी भलाई में हम हमारी भलाई मानते हैं, इसलिए हमने हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी की
दुनिया को भी मदद किया। केवल मदद किया ऐसा नहीं, डेली 6 से 7 फ्लाइट, उस वक्त इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, डोमेस्टिक फ्लाइट भी बंद थी, लेकिन हिंदुस्तान के हैदराबाद के एयरपोर्ट, अहमदाबाद के एयरपोर्ट, दिल्ली के एयरपोर्ट पर डेली 6 से 7 प्लेन लैंड होते थे केवल मेडिसिन लेने के लिए। हमने दुनिया को मेडिसिन दिया, उसके साथ हमारा जो बेसिक एथो है ना, हेल्थ हमारे लिए बिजनेस नहीं है। मेडिसिन हमारा पुरखों ने हमें सिखाया है कि केवल हमारे लिए बिजनेस नहीं है। उस वक्त हमने सोचा होगा, होता कि चलो भाई दुनिया को तो अभी जरूरत है, अब जो भी दाम बढ़ाएंगे दुनिया को तो लेना ही लेना पड़ेगा, क्या करेंगे। हमने ऐसा नहीं किया, 150 कंट्री में मेडिसिन भेजी, प्राइस नहीं बढ़ाई, प्राइस हाइक नहीं किया, उसको एफोर्डेबल मेडिसिन उपलब्ध कराया, जो पहले जिस कीमत में हम देते थे वही कीमत में कोविड क्राइसिस के दरमियान। दूसरा, 150 कंट्री में से कभी कहां से भी, उस वक्त हमने भी कई चीजें इंपोर्ट की थी तो क्वालिटी की बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, जैसा तैसा माल सामान लोग भेज देते थे, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। 150 कंट्री में से कहां से भी ऐसी शिकायत नहीं आई कि इंडिया से भेजी हुई मेडिसिन कुरियस है, कोई जगह से ऐसी शिकायत नहीं आई। और इसलिए कोविड के बाद और ड्यूरिंग कोविड दुनिया ने हिंदुस्तान का बेसिक स्वरूप देखा, मूल स्वरूप को, जो हमारा सशक्त मॉडल था, हमारा इथोस के आधार पर हमारा मॉडल था, वो दुनिया ने देखा। और दुनिया में इंडिया का पासपोर्ट की इज्जत भी बढ़ी, इंडियन नागरिक की इज्जत भी बढ़ी, इंडियन हेल्थ केयर के साथ जुड़े हुए सभी कम्युनिटी की इज्जत भी बढ़ी, और भारत सरकार की इज्जत दुनिया में आज कोविड के बाद बहुत बढ़ चुकी है। और इसलिए यहां बैठी हुई फैकल्टी और यहां बैठे हुए सभी मेरे स्टूडेंट, आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। मैं देखता हूं जब आप डॉक्टर के रूप में आपका एजुकेशन पूरा करके आएंगे, तब आपके लिए इंडिया की अपॉर्चुनिटी और दुनिया की अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी होगी। जब ये अपॉर्चुनिटी के रूप में आप जो भी अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करें, जहां भी काम करें, दोस्तों सरकार ने आपके पीछे एक डॉक्टर तैयार होता है ना, 1.5 करोड़ का खर्च एक डॉक्टर के पीछे लगता है भारत सरकार। मेरी अपेक्षा है मेरे सभी स्टूडेंटों से, आप जहां भी जाए, जहां भी जॉब करें, जहां भी काम करें, जहां भी अस्पताल चलाएं, जो ही रूप में, जो ही स्वरूप में आप काम करें, दोस्तों नेशन फर्स्ट, देश पहला कभी नहीं। मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें मेरा देश और मेरे देश के नागरिक, मेरे मरीज, और इसलिए हमारा शास्त्रों ने तो हमें यह भी सिखाया है, हॉस्पिटल को हमारे देश के नागरिकों ने, हमारी सभ्यता ने मंदिर के रूप में देखा है, और पेशेंट को ईश्वर के रूप में हम देखते हैं। हम तो एक मंदिर के पुजारी हैं, सेवा करने वाले लोग हैं। ये भाव के साथ आप काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि उसका सेटिस्फेक्शन आपको भी होगा और उसका उपार्जन देश को मिलेगा। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी प्राप्त होता रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। अब मैं हमारे चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीरज अग्रवाल को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करता हूं। भैया, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक मंत्री
ना फोटो दिंपटना लटना फोटो दिंपटना मजे भाई क्या भाई कौन की लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री कोमित रेड्डी वेंकट रेड्डी कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विकास भाटिया साइकाट्रिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राव लाइव ही रहा ना लाइव लाइव सभी इनवाइटेड गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट्स नर्सिंग ऑफिसर्स एंड भी आते हैं हमारे सभी पत्रकार साथियों के लिए आज का ये दिन बहुत यादगार है और ये कार्यक्रम भी यादगार है क्योंकि पहली बार हमारे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावीया जी एनजीपी नगर में आए हैं। अत्यंत प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ई संजीवन संजीवनी और आयुष्मान डिजिटल मिशन का उद्घाटन किया गया और छात्र छात्राओं को चरक शपथ दिलाई गई और जो कि मुझे उम्मीद है कि उनको अपने पूरे जिंदगी याद रहेगा कि उनको स्वास्थ्य मंत्री द्वारा चरक शपथ दिलाई गई और उन्होंने जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इस शपथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने भाषण में वो आपको हमेशा याद रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि इनके दिए हुए निर्देशों को आप हमेशा पालन करेंगे। साथ ही मैं मंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल आपको जैसा मालूम है कि संसद सब चल रहा है और उसके बीच में टाइम निकालना एक बहुत मुश्किल काम होता है, फिर भी वो हमारे लिए समय निकाल कर आए और हमें ज्ञान निर्देशन दिया, इसके लिए साथ में मैं होंगी लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री कोमित रेड्डी वेंकट रेड्डी को हमें समय समय पर यहाँ पर आकर धन्य सहयोग करते हैं और हमारे मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर खासवाड़िया को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस इंस्टीट्यूट में जो क्वालिटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग सेट किए हैं जिससे कि आने वाले समय में ये इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी ही हिंदुस्तान के एक अच्छे इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित होगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि दो साल के अंदर ही हमने काफ़ी सफलताएं हासिल कर ली हैं और सून जब हमारा पूरा कैंपस रेडी होगा तो हम जो इस इलाके के सारे मरीजों को सबसे सफल स्वास्थ्य देने में काबिल होंगे, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संघ में हमारे संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राम नारायण का भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो हमारा जितना अकेडमिक विंग का काम देखते हैं और उससे हमारी जो दिन में दिन पीजी और ईजी टीचिंग के कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं, उसके अलावा हमने अपने बीएससी नर्सिंग के भी कार्यक्रम बीएससी टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए हैं, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं अपने प्रेस के सारे पत्रकार मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो समय समय पर आके हमारी जो सेवाएँ हैं उनके बारे में सब जनता को बताते रहते हैं और उससे जो है हमारे पास बहुत सारे अस्पताल में मरीज आते हैं और उनको हम ट्रीट करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके साथ मैं अपने अस्पताल के और अपने इंस्टीट्यूट के सभी अधिकारी मिस्टर गोविंद नारायण गोवर्धन जी मिस्टर राशिद एपे मिस्टर निशाकर साहू और हमारे डीन एग्जामिनेशन डॉक्टर नितिन जॉन एंड डीन रिसर्च डॉक्टर संगीता संपत को भी अपना धन्यवाद देता हूँ कि उनके सबके कार्यछाया में ये कार्य संपन्न हुआ और साथ में मैं अपनी जो समिति है जो इवेंट मैनेजमेंट करती है और उसके जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर लोकेश कुमार महेश्वर रेड्डी लक्की रेड्डी उनका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ऑल धन्यवाद सर। हम सभी गणमान्य व्यक्तियों और दर्शकों से राष्ट्रगान के लिए उठने का अनुरोध करते हैं। Thank you.
students to move towards the vaccination center, please. प्री लॉन्च नेक्स्ट ईयर के लिए हमने शुरू कर दिया कॉन्फ्रेंस इसमें स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहेंगे पिज़्ज़ा नहीं खाना इटालियन पिज़्ज़ा एंड होम अमेरिकन बर्गर्स इंडियन मिलेट्स मंत्री जी से अनुरोध है कि सर इसको आप इसका शुभारंभ करेंगे अगर कोई स्टूडेंट्स या कुछ है हमारे यहाँ या हाउसकीपिंग के लोग हैं हाउसकीपिंग के अभी सब रस के भाइयों से रिक्वेस्ट हम सब बैठेंगे भी यहाँ पे किसी वो में यहीं पे आ जाते हैं सर
कर सकते हैं। हेलो अब सर
ये हमारे गायनी के डॉक्टर जाने के लिए सर्विस आइए सर। కొంచెం అన్న ఫాస్ట్ వచ్చేయండి ముందుకు కొంచెం వెనక్కి రండి पर इसको हम बच्चे जैसे अडॉप्ट करते हैं एनिमल्स जैसे इधर है राम इधर है सर विल सेट यू द शी इज अ मदर ऑफ ऑल प्लांट्स और पूरी इसकी बुक में तैयार कर रहे हैं सर पूरी बुक में इसका बोटैनिकल नेम क्लासिफिकेशन एवरीथिंग कीप ऑन अपडेटिंग यू सर श्योर रेंडी कर ओ क्लैप्स एक दिन कोई कहते हैं इतना लोगों को अच्छा लगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा इस वाटी का कहाँ पे है तो मैंने सबको फोटो भेजना यस यस सर तो भेजना पड़ेगा यस सर श्योर सर अभी नाम भी हमें बताना पड़ेगा उसका दिशा दिशा थैंक यू सो मच और कोई नाम रिपीट नहीं करते भैया सारा बैरिकेड लगा के सारा कंस्ट्रक्शन हाइट्स का कहाँ है यहीं पे क्लाइंट अपना प्रधानमंत्री That is the 24 G. 24 G. इसके अलावा ये हॉस्पिटल का एक अलग से हॉस्पिटल ब्लॉक लाया है फोन को क्योंकि इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर जैसे बन सकते हैं मॉडल है इसके लिए हाइट ज़्यादा है तो 16 मॉडल रूटीज 76 आईसीयू बेड्स डायलिसिस यूनिट और रेडियोथेरेपी के लिए सो वो एक बिल्डिंग इसके पीछे है అచ్చా